हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं तथा निरंतर वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें। द एडमिनिस्ट्रेटर अकेडमी द्वारा भोपाल मध्य प्रदेश में क्लासरूम प्रोग्राम संचालित है। आप UPSC, MBPSC, MPSI, कांस्टेबल तथा व्यापम की तैयारी हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं तथा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स, नोट्स की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, द एडमिनिस्ट्रेटर अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे 5 सितंबर का करेंट अफेयर। दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज के लिए आप MPSI की जो फ्री टेस्ट सीरीज है उसके लिए इसमें एक दो टेस्ट जो हैं वो फ्री मिलेंगे आपको, कुछ टेस्ट फ्री मिलेंगे। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं आपके रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेट कर दूंगा, फिर आप यह टेस्ट दे पाएंगे जैसे ये अपलोड हो जाएगा, तो दोस्तों इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय करुणा चैरिटी दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। दोस्तों यह आयोजित किया जाता है 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय करुणा दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। यह दिवस चैरिटी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने, व्यक्तियों में धर्मार्थ, परोपकारी और स्वयंसेवी संगठनों के प्रति दान संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2012 में स्थापित किया गया था। हमें ध्यान देना चाहिए कि 5 सितंबर को जो नोबल शांति पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा हैं, उनका निधन हुआ था। दोस्तों अगली मुख्य खबर को देखते हैं। वर्ष 2016 के प्रतिष्ठित ऊर्जा दक्षता पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को प्रदान किया गया है? दोस्तों यह प्रदान किया गया है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। 1 सितंबर 2017 को भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, इको फ्रेंडली वाहन जैसी बिजली संचालित बगीज, ग्राउंड हैंडलर वाहन, ट्रॉली मूवर्स और भी ई कारों को इस्तेमाल करने के लिए प्रदान किया गया है। चूंकि यहाँ पर इको फ्रेंडली वाहनों का प्रयोग किया गया है इस एयरपोर्ट में, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, इसलिए भारतीय उद्योग परिसंघ ने इन्हें ऊर्जा दक्षता पुरस्कार जो है यह प्रदान किया है। बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है यह ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने के क्षेत्र में। 1 सितंबर 2017 को विश्व के सबसे ऊंचे सैंड कास्ट का मतलब है दोस्तों रेत की आकृति का निर्माण किया गया है। दोस्तों यह किया गया है डुइसबर्ग जर्मनी में। सबसे बड़ी सैंड कास्ट का निर्माण किया गया है, यह 16.68 मीटर की है। 1 सितंबर 2017 को सैंडकास्ट कलाकारों की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने जर्मनी के ड्यूसबर्ग में दुनिया के सबसे ऊंचे सैंडकास्ट का निर्माण किया है। यह पर्यटन विषय पर आधारित है। 54.5 फीट ऊंचा सैंडकास्ट है। हमें ध्यान देना चाहिए कि इससे पूर्व सबसे ऊंचे सैंडकास्ट का निर्माण जो किया था भारत के पूर्वी तट पर सुदर्शन रेत संस्थान द्वारा किया गया था और इसकी आकृति थी 14.8 मीटर ऊंचा। यह सैंड कास्ट जो है यह बनाया गया था। अगली खबर को देखते हैं। भारत के प्रथम स्वदेशी स्नाइपर राइफल का निर्माण किया गया है। यह ईशापुर में राइफल फैक्ट्री निर्माण की गई है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत के प्रथम स्वदेशी स्नाइपर राइफल का निर्माण ईशापुर राइफल फैक्ट्री पश्चिम बंगाल द्वारा किया गया है। इसकी कुल लागत 2.5 लाख है और 6.7 किलोग्राम वजन इसका है। इस राइफल की शूटिंग रेंज 800 मीटर की है। हमें ध्यान देना चाहिए कि कारखानों को हाल ही में CRPF और हरियाणा और राजस्थान पुलिस बल ने से स्नाइपर राइफल खरीद के लिए आदेश प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत की प्रथम महिला सांसद जिनके पास केंद्रीय रक्षा मंत्री का कार्यभार रहा है, तो दोस्तों यह जो हैं यह हैं नजमा हेपतुल्ला, भारत की प्रथम महिला सांसद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास वर्ष 1980 से 82 तक भारत के रक्षा मंत्री के रूप में अतिरिक्त पोर्टफोलियो या कार्यभार जो था यह रहा है। 3 अगस्त 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्र सरकार ने निर्मला सीतारमण जो वाणिज्य कमर्स मिनिस्टर थी उनको भारत के रक्षा मंत्री का कार्यभार ये पद
सौंप दिया है। हमें ध्यान देना चाहिए कि निर्मला सीतारमण के रक्षा मंत्री बनने के उपरांत केंद्रीय सुरक्षा समिति में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री सुषमा स्वराज जी और समेत दो महिला सदस्य हो गई हैं। तो दोस्तों, आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि हमारे यूपीएससी और एमपीपीएससी के जो बैचेस हैं, यह भोपाल मध्य प्रदेश में हमारी कोचिंग है, यहाँ पर संचालित हैं। आप चाहें तो हमारे क्लासरूम प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारे यहाँ पर व्यापम एवं एसएससी के बैचेस भी संचालित हैं, चाहें तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम में सफलता पाने के लिए। हम यहाँ पर प्रत्येक प्री और मेंस के स्तर पर आपकी तैयारी करवा रहे हैं। इससे आप जो है प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तरों पर जो है सफलता हासिल कर पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।